तो हम निकल चुके थे ऑफिस के लिए, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था आज ऑफिस में बैठे बैठे, तो यहाँ मैं काम कर रही हूँ रोज़ की तरह। तो आज मैं लंच बॉक्स आधा घर में भूल गई हूँ, मतलब दाल का डब्बा घर में भूल गई हूँ और चावल ले आई हूँ। तो हम घर जा रहे हैं लंच करने के लिए, अभी आ जाएंगे आधे घंटे में। आज जल्दीबाजी में ऐसे ही होता है यार, कभी कभी हो जाता है ऐसा। हाँ अभी ऑन रहे तो अभी आ जाऊँगी मैं, खा के आ जाएंगे खाना फट से। क्या आजकल हम थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा बाहर का नहीं खाना चाहिए, घर का खाना घर का ही होता है कि नहीं, है कि नहीं। खाना खा लिया? हटो हटो हटो, हम आ गए भाई। सिपाहियों, तो मैं सिंपल दाल भात नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो मैं जा रही हूँ अभी कुछ आलू बनाने। तो आलू को मैं ओवन में मैंने चढ़ा दिया आलू को, अब जाती हूँ मिर्च ढूँढने। मिर्च नहीं है, धनिया भी नहीं है, जाती हूँ मैं अपने किचन गार्डन में। ये देखो हमारा किचन गार्डन, ये टमाटर का है, इसमें टमाटर नहीं आए हैं अभी ये, अरे इसमें आ गए, फूल आ रहा है, गुड। ये गिलोई और ये पता नहीं क्या लगाया है पापा का, वाह इसमें टमाटर आ गए, ओए ग्रीन टमाटो है, अभी ये लाल हो जाएंगे। मिर्च मिल गई है, एक एक बहुत है मेरे लिए, एक छोटी ले लेती हूँ बस, बाकी रहने दो। ये देखो हमारा छोटा सा किचन गार्डन है ये, और आगे भी है, आगे का बाद में दिखाऊंगी, ठीक है चलते हैं। अब मैं इसका चोखा बनाऊंगी, चोखा मतलब आलू को मैश करके मिर्च हरा धनिया डाल के थोड़ा सा प्याज डाल के, प्याज नहीं डालूंगी ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है प्याज, और बस खाते हैं। दिखाओ क्या है, ग्रो बैग आ गया हमारा किचन गार्डन के लिए, मम्मी ने मंगाया है, देखो अब कैसा आता है। ये कैसा होता है? ये बिल है, लो इसमें पौधे लगाते हैं। हमारे एरिया में थोड़ा जमीन पीछे नहीं है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे। ये तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था, पापा को खेती बाड़ी करने का बहुत शौक है। ऐसा शौक नहीं है भैया, मैं अपने उससे करता हूँ, इसीलिए हमने ये मंगाया है। ये छत पे है और ये छत पे लगाने के लिए, छत को लागी दो यो, छत पे लगाने के लिए पीछे। अरे वाओ सो स्पेशियस यार, दिखा दो उल्टा पहन के। अरे माटो नावट लागी आप, इसमें तो आदमी भी आ जाएगा। मत 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 वो, वाह खेलने के लिए टेंट बन गया, ठीक है इसका स्टफ अच्छा है। दिखा दे बजी को, दिखा बजी को, मेरे को क्या दिखाना है, कपड़ा छू के देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 बहुत लो आज ना, बहुत मट्टी लग रहा है। वाओ ऐसे ये देखो, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाकी तो बाद में पता लगेगा। 18x24 का है ये, फ्लिपकार्ट से लिया है हमने। हाउ मच कितने का लिया है? 1300 रुपए का लिया है ये, 1300 के 8, ठीक है भाई। पट्टा नहीं कर सकती, इसमें हम आपको खेती करके दिखाएंगे, थोड़ा सा तो मैंने आपको आज दिखा दिया,
अब और दिखाएंगे ठीक है। तो आज हम बनाएंगे चाउमीन, क्योंकि आज खाने का कुछ मूड है नहीं मेरा, तो नूडल्स बनाएंगे हस्बैंड, तो इसलिए हम यहाँ पे आ रखे हैं पवार स्वीट्स में चाउमीन लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारी मिठाई भी मिलती है, बढ़िया सुंदर सी दुकान है इनकी। हेलो हेलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भैया, बिल्कुल करेंगे आपको। और ये केटरिंग का काम भी करते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं इनको बर्थडे पार्टी शादियों के लिए। बाकी जोगीवाला में बहुत मशहूर है, नथनपुर रायपुर सब जगह बहुत मशहूर है। और इनका नंबर क्या है? 971। नंबर कहीं लिखा नहीं है? नंबर लिखा, लो 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 लो, ये देखिए इनका नंबर है। यहाँ मैंने पतीला गरम कर लिया है, इसमें पानी डाल दिया है और तेल डाल दिया है एक चम्मच रिफाइंड वाला। यहाँ मैं सूप बनाऊंगी पापा के लिए, क्योंकि पापा नूडल्स नहीं खा सकते, उनको सूखा हो जाता है, इसलिए सूप बनाऊंगी। और ये हूँ मैं, आंसू निकल गए पूरे प्याज काट के, ये कट गए हैं प्याज। अब काटूंगी पत्ता गोभी। आपके पास जो भी सब्जी है वो आप डाल सकते हैं, सबको पता ही होगा। तो ये हो गई है, उबल गई हमारी चाउमीन, और ये कट गए प्याज, और ये क्या है, हरी मिर्च, अदरक को चॉप कर दिया, पर बारीक चॉप, इतना बारीक नहीं हो पाया, मगर मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है इसको चॉप करने की बारीक। और ये मैं एक और बार धो लिया था तेज, क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी अच्छे से धो लिया था दोबारा से, क्योंकि काटने के बाद एक और बार धोना चाहिए पत्ता गोभी को, ज़रूरी है। और हाँ, ये है हमारा, मैंने लहसुन का थींच के रखा है, इसको थींच के रखा है, मतलब खींच के रखा है, मतलब उसको कूट के रखा है। उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा विनेगर और सोया सॉस के साथ इसको मिक्स करेंगे हम चाउमीन के अंदर। तो अभी दिखाते हैं सारा प्रोसेस, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी तैयारी कर ली, और इन्होंने लास्ट टाइम पे धोखा दे दिया है हमें हमेशा की तरह, अब मेरे को ही चाउमीन बनाना पड़ेगा। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ और दिखाती हूँ आप लोग को मैं सिंपल तरीके से कैसे चाउमीन बनाती हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पूरी वीडियो नहीं डाल पाई, तो मैं ऐसे ही चाउमीन बनाती हूँ नॉर्मल मसाले वगैरह डाल के, और मेरे हस्बैंड जो है वो अलग तरीके से चाउमीन बनाते हैं, तो उनकी वीडियो भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं चाउमीन बनाने के लिए। ये लोहे की कढ़ाई में चाउमीन बना रहा है, तो ऑफकोर्स टेस्टी ही बनेगी, मगर मुझे लोहे की कढ़ाई में पसंद नहीं है चाउमीन, तो इसलिए मैंने नॉर्मल कढ़ाई में ही बना लिया था। और अब ये बना रहे हैं अपने लिए और मम्मी के लिए और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि वो दोबारा भी मांगेंगे अभी खाने के लिए, इसलिए एक एक बार तो मैंने सबको दे दिया था, अब ये दोबारा खा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।